हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 3.2% आयनाइज्ड। इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट इज ऑप्शन 1 9.6 × 10⁻³, ऑप्शन 2 2.1 × 10⁻⁴, ऑप्शन 3 1.25 × 10⁻⁶, ऑप्शन 4 2.1 × 10⁻⁸। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आयनाइजेशन कांस्टेंट। हमें क्या बोला है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो क्या किया है, आयनाइज किया है, राइट। फॉर्मिक एसिड आयनाइज करेगा तो क्या देगा, एच प्लस देगा और फॉर्मेट आयन देगा, ठीक। सपोज इनिशियली हमारे पास टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी कंसेंट्रेशन सी थी, ये दोनों नहीं बना था, ठीक। आफ्टर टाइम टी इसके सी अल्फा मोल्स खत्म हो गए, इसके सी अल्फा मोल्स बने होंगे, राइट, इन दोनों के। तो टोटल इसकी कंसेंट्रेशन जो बची सी माइनस सी अल्फा, इसकी सी अल्फा और इसकी सी अल्फा, राइट। अब हमारे पास हमें लिखना है आयनाइजेशन कांस्टेंट। हमें क्या लिखना है, आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फॉर्मेट आयन की कंसेंट्रेशन इनटू एच प्लस की कंसेंट्रेशन बाय सी माइनस सी अल्फा, ठीक। फिर अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, सी से सी कट जाएगा, राइट, हमारे पास क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, ठीक। नाउ अल्फा देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो 3.2% आयनाइज हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 3.2/100 यानी 0.032 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.032। तो और कंसेंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है, 0.2, क्या आ जाएगा, 0.2 × 0.032 का होल स्क्वायर बाय 1 - 0.032, ठीक। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.2 × 0.032 × 0.032 बाय क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.032, ठीक। क्या आ जाएगा, 0.968, क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.968, ठीक। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.1 × 10⁻⁴, राइट, क्या आ जाएगा, 2.1 × 10⁻⁴। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।